गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने चैनल मैथ स्टडी में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि सर एक रियल नंबर्स पर कुछ लेक्चर्स हो जाए, तो उसी के लिए उसी दौरान हमारा दूसरे कुछ लेक्चर शुरू थे, इसलिए मैं कर नहीं पाया। लेकिन आज से हम CBSE के कुछ लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हमारा आज जो लेक्चर होगा वो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखने के पहले हमें थोड़ी एक उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए। बैकग्राउंड के लिए जो स्टोरी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है उस स्टोरी हम सबसे पहले देखेंगे, उस स्टोरी में हमें क्या दिया है। तो उस स्टोरी में एक ऐसा बताया गया है कि एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर रास्ते से गुजर रहा है और एक गाँव से वो पास होता है और तब उसे एक आदमी मिलता है। आदमी के लिए एक वर्ड कहा गया है बुक में, आइडलर। आइडलर का मतलब होता है एक ऐसा खाली बैठने वाला इंसान जिसके पास कुछ भी काम नहीं है। तो वो उस ट्रेडर को रोकता है और उससे एक क्या बोलेंगे, एक बातचीत उसके साथ वो शुरू करता है। बातचीत करते करते उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा जब होता है तब जो सामान ट्रेडर खुद अपने साथ ले जा रहा है उस सामान का होता है नुकसान। अब वो सामान होता है अंडे। तो जो भी अंडे क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी पर मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, जो भी क्वांटिटी के अंडे यहाँ पर ट्रेडर ले जा रहा होता है वो अंडे फूट जाते हैं। अंडे फूट जाते हैं और अंडे ख़राब होने की वजह से वो ट्रेडर, वो व्यापारी उस आदमी को अपनी एक हर्जाना मांगता है, नुकसान जो हुआ है उसका वो भर के देना है उसे, वो ऐसा कहता है। ठीक है, अब नुकसान की भरपाई करने के लिए वो आदमी मना करता है, तो इसलिए ये दोनों बातें जाती है पंचायत में। पंचायत में जाने के बाद पंचायत के जो मुखिया होते हैं सरपंच, उनसे सब बातें, सब जो हाल है वो बताया जाता है उनको और वो कन्विंस होते हैं, उनको विश्वास होता है कि भाई ट्रेडर की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से वो जो आदमी होता है झगड़ा करने वाला, उसे नुकसान हर्जाना देने के लिए बोला जाता है। तब ट्रेडर से पूछा जाता है कि आपके कितने अंडे फूटे थे, आपके कितने अंडों का नुकसान हुआ है। अब ट्रेडर बड़ा होशियार था, बजाय इसके कि वो एक क्वांटिटी बताए, वो थोड़ा अलग लहजे में उसका जो है वो बताता है। वो कहता है कि मेरे जो बास्केट में लेके जा रहा था, मेरे बास्केट में अगर जितने भी अंडे थे, अगर वो अंडों की आप पेयर बनाएं, तो पेयर बनाने के बाद भी जितनी भी पेयर्स बनेंगी तब एक अंडा बचेगा। हम इसे थोड़ा गौर से बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। तो उसका बोलना यह है कि अगर आप पेयर्स बनाएंगे तो सारी पेयर्स बनने के बाद एक जो है वन एग विल रिमेन, एक अंडा बचेगा। अगर आप थ्रीज, तीन थ्राइस लेंगे तो दो एग्स बचेंगे। अगर आप चार चार के ग्रुप करेंगे, फोर एग्स इन अ ग्रुप करेंगे तो तीन अंडे बचेंगे। इस तरह से शुरू हो जाता है। तो वो चले जाता है काम, फिर उसका आखिरी का जो बोलना आता है वो बोलता है कि अगर आप मेरे साथ साथ अंडों के ग्रुप करेंगे एक भी अंडा नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलता है कि अगर आप साथ साथ अंडों के ग्रुप करेंगे तो मेरे पास इतने अंडे थे कि मेरे पास कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमर उसने एक और कंडीशन दे दी, बोलते बोलते उसने ये बोला कि मेरे पास, मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं बैठ सकते, यानी उसके बैग में मैक्सिमम 150 अंडे बैठते थे। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरह से देखें कि अगर हम 150 एग, यानी उसके पास या तो 150 अंडे थे नहीं तो 150 से कम अंडे थे, तो हम डायरेक्ट थोड़ा एक एक ट्रायल एंड ट्रायल मेथड से हमें ये करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम ये सपोज करेंगे कि उसके पास 150 अंडे थे। अगर हम 150 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम पेयर्स बनाते हैं, तो सीधी सीधी हमारे पास कितनी पेयर्स बनेंगी, 75 पेयर्स। और जो कंडीशन थी कि एक अंडा बचना चाहिए,
वो बचेगा नहीं, यानी हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके पास 150 अंडे नहीं थे, उसके पास 150 अंडे नहीं थे। उसके अंडे, एक बात मैं स्टूडेंट्स को बता दूं यहाँ पर कि उसके पास जो भी अंडे यहाँ पर थे वो अंडे ये सारी कंडीशंस फॉलो करते थे, यानी अगर उसके पास पांच पांच अंडों के अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो चार अंडे बचेंगे, अगर आप छह अंडों का ग्रुप बनाएंगे तो छह छह अंडों के ग्रुप बनाने के बाद आखिरी में पांच अंडे बचेंगे इस तरह से। तो हम फिर इसके बाद वाला एक नंबर लेते हैं, हम 149 देखते हैं। अब 149 हम ऐसा सपोज करते हैं कि उसके पास 149 अंडे अगर उसके पास होंगे तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर इसे डिवाइड किया यानी पेयर्स अगर हमने बनाई तो इसकी सीधी सीधी 74 पेयर्स बनेंगी और एक अंडा बचेगा, लेकिन बाकी की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ये कंडीशन सेवंथ कंडीशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आखिरी की कंडीशन हमें एक बड़ी हिंट देती है, सात सात अंडों के अगर आप ग्रुप बनाते हो तो उसके पास एक भी अंडा नहीं बचता है, यानी यहाँ पर एक ऐसी हिंट मिलती है कि उसके पास जो भी अंडे थे वो जो नंबर है वो डायरेक्टली डिविजिबल बाय 7 है। तो हमें यहाँ पर वो नंबर्स देखने हैं कि जो डिविजिबल बाय 7 है। तो सबसे पहले हम 149 को देखते हैं, तो 149 इज नॉट डिविजिबल। फिर उसके बाद 149 अंडे भी उसके पास नहीं थे। हम 148 को देखेंगे, ऑब्वियसली ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। हम 147 देखेंगे, जी हाँ 147 यहाँ पर 7 से डिविजिबल है। अगर हम इसे 7 से डिविजिबल करते हैं तो सीधे सीधे 147 अंडे उसके पास है। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो 21 ग्रुप्स, सात सात के 21 ग्रुप बन जाएंगे और उसके पास एक भी अंडा बचेगा नहीं। लेकिन अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो लेट अस चेक 147 के अगर हम 6 से ग्रुप बनाएं तो 6 टू जार 12, 4 माइनस 2 27, 6 4 जार 24, रिमेन इज 3। 6 6 अंडों के 24 ग्रुप बनेंगे और बचेंगे 3 अंडे, लेकिन हमें कहा गया है कि 6 6 अंडों के ग्रुप बनने के बाद बचेंगे कितने अंडे, 5 अंडे, यानी उसके पास 147 अंडे भी नहीं थे। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे का नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो है 140 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से 7 से डिविजिबल होगा तो सीधे सीधे यहाँ पर 140 एग्स हम कंसिडर करते हैं कि उसके पास 140 एग्स है। अगर उसके पास 140 एग्स है तो यहाँ पर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, तो सीधी सीधी 20 पेयर बन जाएंगी, 20 पेयर बनेंगी और एक अंडा नहीं बचेगा, यानी उसके पास 140 एग्स भी नहीं है। इस तरह से अगर हम करते 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 एक मेथड उसके लिए यूज होती है जो कही जाती है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है कि आप ट्राई करते जाइए और अगर कोई एरर आता है तो एरर को दूर करते करते आप ट्राई करते जाइए तब तक जब तक आपको आपका डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता। यहाँ पर हम 119, ये जो नंबर है 119, अगर ये कंसिडर करें तो ये नंबर देखिए मैं 119 नंबर किस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, सी, अगर उसके पास 119 अंडे थे 119, तो इसका मतलब है हम उसे किस तरह से लिखेंगे, 2 × 119 में से अगर आप 1 निकालते हो तो वो होगे 118 यानी 59 2 × 118 प्लस 119। देखो दूसरी कंडीशन उसने कहा था अगर मैं तीन तीन के ग्रुप बनाऊं तो मेरे पास आखिरी में 2 अंडे बचे। 2 अंडे का मतलब है 119 माइनस
2 अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 117, और 117 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 3 9 एंड 3 9 27। ठीक है, उसने कहा था कि अगर मेरे अंडे जितने भी हैं अगर आप उसको चार चार के ग्रुप में बनाएंगे तो जितने भी ग्रुप्स बनेंगे बनने के बाद मेरे 3 अंडे बचेंगे। तो 119 में से अगर हम 3 निकाल दें तो बचते हैं 116, एंड 116 डिवाइडेड बाय 4 अगर आपने किया तो फिर 4 2 8 एंड 4 9 36। उसने ये कहा था मेरे पास अंडों के अगर आप 5 के ग्रुप बनाएंगे तो 4 अंडे बचेंगे, 4 अंडे बच जाएंगे, यानी 119 माइनस 4 अगर आपने किया तो क्या होगा, 115। तो 115 करिया डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 2 10 एंड 5 3 15। ओके, देन 119 इज इक्वल्स टू 6। अगर आप 6 अंडे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उसने कहा मेरे पास 5 बचेंगे, 5 बच 6 1 6 एंड 6 9 54। ओके, अब लास्ट पोजीशन, उसने कहा था कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 7 1 7 पूरी स्टोरी जो ट्रेडर ने बोली थी उसके अंडों की जो क्वांटिटी थी उसके बारे में अब यहाँ पर वो पूरी एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसने कहा था मेरे पास जितने भी अंडे हैं ये जो 119 है ये उसने बताया नहीं, उसने कहा अगर 2 के ग्रुप बनाएंगे आप तो 1 बचेगा, तो हमने 2 के 59 ग्रुप्स बनाए, सेम क्वांटिटी, देखिए ये चेंज नहीं हुआ कहीं भी, एवरी टाइम नंबर ऑफ एग्स आर सेम 119। तो 119 एग्स के अगर हम 3 के अगर 3-3 अंडों के इफ 39 ग्रुप्स आर मेड 2 बचेंगे। तो ट्रेडर ने जो भी कंडीशंस बताई थी कि 7-7 अंडों के अगर हम 17 ग्रुप बनाएंगे तो बरोबर उसके पास के 119 एग्स हो जाएंगे और एक भी अंडा बचेगा नहीं, इस तरह से। अब यहाँ पे स्टोरी आप भूल जाइए, जो चीज़ हमें सीखनी है वो ये देखनी है हमें कि एवरी टाइम दिस इज कॉन्स्टेंट। तो इसे लिखा जाता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शुरू होता है। इसमें जो ये वर्ड आया हुआ है लेमा, ये लेमा क्या है, ये लेमा क्या है, तो लेमा है एक्चुअली इट इज अ ग्रीक वर्ड लेमा। लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है और जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है लेमा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे डिवीजन लेमा ये कहता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर आर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ओके, एवरी ए एंड बी, हर ए बी के लिए यूनिक क्यू एंड आर रहेंगे, सच दैट हर बार एवरी टाइम दैट आर इज लेस देन एंड इक्वल टू क्यू। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ए हर बार ए कॉन्स्टेंट है, बी बी देखिए 2 3 4 5 6 7, यानी हर बार बी के लिए क्यू एंड आर 59 1 39 2 29 3 23 4 19 5 17 0, यानी हर बार ए और बी के लिए एक यूनिक अलग हमें क्यू एंड आर मिलता है। वो आर कैसा होता है, हर बार देखिए आर कैसा है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा क्यू से छोटा, सही बात है। देखिए 1 कैसा है, क्यू से छोटा है, 59 से छोटा, 239 से, 329 से, 423 से, और ये हर बार कैसा है, क्यू से तो छोटा है ही लेकिन जीरो से बड़ा है, देखिए जीरो से बड़ा, और हमने कंडीशन डाल दी इक्वल टू, यानी कभी कभी वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द फाइनल यूक्लिड लेमा, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर इज यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट
ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके हाँ, इन द नेक्स्ट लेक्चर, हियर वी विल स्टॉप नाउ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, ओके, बेस्ड ऑन द सेम थ्योरम. ओके, अंटिल नाउ वी विल स्टॉप. ओके, थैंक यू.